opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crick Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. आज 15 सिलेक्ट करनी होती तो आपकी T20 वर्ल्ड कप प्रोबेबल 15 क्या होती? पहले तो माने नहीं, बट फिर इस क्यूट से चेहरे ने प्लीज ऐसा करा, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं, बहुत जल्दी है लेकिन बना लेते हैं। तो भाई कौन जाएगा आप दोनों में से पहले? सबसे पहले कौन जाएगा, कौन दिखाएगा? पहले मैं जाता हूँ। चलिए ओके, आरपी की 15 दिखाई जाए। कम सरप्राइजेस है इसलिए इसको चाहता हूं, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पेश करी जाए प्रोबेबल 15 पेश करी जाए। मेरे में ज्यादा चर्चा करने की गुंजाइश नहीं है जी। और ऊपर से आप देखो रोहित शर्मा, केएल राहुल फिट होंगे तो सरतिया टीम में रहेंगे। विराट कोहली के ऊपर चर्चाएं रही है, पर मेरा जो मैंने बोला जी वन डेज है उसमें खेल के वापस फॉर्म में आ जाएंगे। प्लस एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए हमें, ईशान किशन रहेंगे सेकंड विकेट कीपर। सूर्य कुमार यादव का प्लेस एकदम पक्का है जी। उसके बाद दीपक हुडा को रखा हमने करंट फॉर्म देखते हुए, करंट क्योंकि हमने वैसे तो बहुत जल्दी T20 के बारे में और स्क्वाड के बारे में चर्चा करना, पर दीपक हुडा, करण, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, दो ऑलराउंडर हमारे पास, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल या कुलदीप। अक्षर क्योंकि मैं रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट कर लीजिए, कुलदीप एक हमारे पास बैकअप स्पिनर और लिस्ट स्पिनर, दूसरा एक डिफरेंट वेरिएशन है उसके लिहाज से मुझे लगा कुलदीप यादव को भी उसमें मिलना चाहिए। मोहम्मद शमी जो शायद लोग देख नहीं रहे पर मेरे अभी भी सबसे बेस्ट गेंदबाजों में से एक है मोहम्मद शमी, क्योंकि आप लिमिटेड जो बोलते हैं वेरिएशंस कम है, जरूरत क्या है जब आपके पास बाउंस अच्छा एरिया आपका बॉल कट करा सकते हो तो जरूरत क्या है इतनी चीज़ों की। मुनशर कुमार, जसप्रीत बुमराह बेस्ट प्लेयर है, वो प्लेयर इस समय वापस आ गया, प्लेयर गेंदबाजी जिसकी मैं हमेशा चर्चा करते हर्षदीप है, पर्सनल बायस चॉइस। गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करी है उन्होंने। हाँ अच्छी की है, एक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज जो डेथ में भी डाल सके और नई गेंद से स्विंग करा सके, इनका हमने पिछले मैचेस में देखा भी है, आईपीएल तो देखा ही, पर भारतीय टीम के लिए तो स्विंग देखने को मिली जो इन स्विंग भी थी और आउट स्विंग, तो इनको मैंने रखा क्योंकि आप कुछ और मैच खेलेंगे तो और बेटर प्लान होगा और बेटर ग्रूम करके, तो ये हमारी थोड़ा सा सेटल 15 की टीम है। सरप्राइजेस के नाम पर तो ऐसा कुछ खास है नहीं, सरप्राइजेस कहीं और है। पीपीपीडिया की 15 दिखाई जाए भाई, T20 वर्ल्ड कप प्रोबेबल 15। आप सबको एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दें, ये सिर्फ मेरी मोहब्बत पर बनाई है इन्होंने, अभी बहुत समय T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन क्योंकि इतनी चर्चा हो रही थी तो मैं जानना चाहता था कि अगर आज आप पिक करें तो कैसी होगी आपकी प्रोबेबल 15। नजर डालते हैं पीपीपीडिया की 15 पर, T20 वर्ल्ड कप प्रोबेबल 15। सेम चीज़ है, रोहित शर्मा, केएल राहुल अपने आप ही आते हैं। आई थिंक केएल राहुल के ऊपर भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन होगा कि कब फिट हो रहे हैं। मैंने विराट कोहली ऑब्लिक संजू सैमसन रखा जी, वो एक बिल्कुल सवाल है विराट कोहली के फॉर्म के ऊपर, तीन नंबर पे वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, और संजू सैमसन जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी, अच्छी कप्तानी करी, अच्छी मैच्योरिटी दिखाई है, तो मैं चाहूँगा कि उनको भी थोड़े गेम्स मिले बिफोर एशिया कप, तो उसमें से जो जिसका करंट फॉर्म सही चल रहा होगा वो आई थिंक मेरे ख्याल से उनको जगह मिलनी चाहिए यहाँ पे वर्ल्ड कप में। और जो ये अपना पीछे जो फैन का सवाल था कि सर्टेनिटी है कि नहीं है, मेरे हिसाब से T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी विराट कोहली इस टीम में सर्टेनिटी नहीं है, तो वहाँ पे यू नो करंट फॉर्म और वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करेगी, तो इसलिए मैंने संजू सैमसन का ऑप्शन भी साथ में खुला रखा है। बाकी सारी टीमें मैं बताएंगे, वो हो गया क्लिप मिल गया, दिखा दो। ईशान किशन ऑब्वियसली आपके पास ओपनर है, सेकंड कीपर होंगे टीम के सूर्य कुमार यादव के, वो मेरे ख्याल से एक लौते प्लेयर है जो आप कहीं से भी 1-6 कहीं भी बल्लेबाजी करा सकते हैं उनको। दीपक हुड्डा सेम करंट फॉर्म, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और भी एक चीज़ है जो आपको थोड़ी सी ऑफ स्पिन भी दे सकते हैं अगर दो लेफ्टी खेल रहे हैं, अगर आपको 11 में खिलाना है। हार्दिक पांड्या अपने आप, रविंद्र जडेजा में कोई क्वेश्चन नहीं, ऋषभ पंत पे कोई क्वेश्चन नहीं, हो सकता है ऋषभ पंत आपको ओपनिंग करते भी दिखे 11 में okay. और अगर केएल राहुल फिट नहीं है, अगर केएल राहुल फिट है भी तो भी शायद 11 में आपको ऋषभ पंत ओपनिंग करते हुए नजर आए अगर उनका फॉर्म ठीक से चल रहा है तो। सेम अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, स्पिनर का जो रोल होगा वो उतना ज़्यादा है नहीं, दो स्पिनर काफ़ी हो जाते हैं आपके पास ऑलरेडी, रविंद्र जडेजा है, युजवेंद्र चहल है, कुलदीप यादव की तरफ मेरा ध्यान थोड़ा सा और ज़्यादा है क्योंकि आपको वो ना एक लेग स्पिनर का, रिस्ट स्पिनर का एक ऑप्शन चाइनामैन का। मोहम्मद शमी अगेन जो पूरा आईपीएल में जिस तरह से गेंदबाजी करी है वो अगर आपको शुरुआत में 3 ओवर डाल के देंगे जिस तरह से बॉल स्विंग हो रही है, तो अगर शमी आपको शुरुआत में 3 ओवर डाल के देते हैं, भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर डाल के देते हैं, तो पावर प्ले के आपके हो गए 5 ओवर, और अगर फिर 1 ओवर आपको किसी से डलवाना है तो छठवा ओवर या जसप्रीत बुमराह हो सकता है या फिर हार्दिक पांड्या का 1 ओवर भी हो सकता है,
तो दैट मीन्स कि आपके पास ना जसप्रीत बुमराह के 3 ओवर बच जाते हैं बीच में, तो आप बीच में उनको 1 ओवर कराएंगे, आप मोहम्मद शमी को बीच में 1 ओवर कराएंगे और युजवेंद्र चहल के 2 ओवर, यानी आप बीच में 4 ओवर अटैक कर सकते हैं आउट करने के लिए। वो जो बचने वाली गेंद या फिर वो पार्ट टाइम गेंदबाजों की ज़रूरत नहीं होगी, आप अटैकिंग गेंदबाजी वहाँ पर कर पाएंगे। और भुवनेश्वर कुमार तो अच्छे फॉर्म में है ही, तो भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह आपको डेथ में भी गेंदबाजी करके देंगे। क्योंकि लेफ्टी है, जिस तरह से गेंदबाजी करी है मुश्किल जगह पे आईपीएल में उन्होंने गेंदबाजी करी है, तो मेरे ख्याल से अगर 15 लेके जाने तो ये ऑप्शन है, बाकी 17-18 लेके जाना है तो फिर तो सबका काम आ सकता है। तो फिर बहुत सारे नाम आ सकते हैं।